हाय फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को क्लास टेंथ एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज टेंथ पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। दोस्तों, ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें वृत्त से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को बताया जाएगा, जो कि जिससे कि ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं ना दोस्तों। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए, वृत्त का डिफिनीशन होता है गोलाकार, समतल, घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, है ना दोस्तों। वृत्त कहते हैं गोलाकार, समतल, घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। जैसे ये जो फिगर बनाया वो सर्किल है ना, इसी को वृत्त कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे पॉइंट्स बनता है। जैसे एक वृत्त हुआ और एक लाइन इसको काट दिया, तो इस रेखा को हम बोलेंगे छेदक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि छेदक रेखा वह रेखा है, छेदक रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनेगा ना, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, क्वेश्चंस बना के पूछेगा कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है, छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है। तो आंसर क्या होगा? दो बिंदुओं पर काटती है। अब देखिए, आता है स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं ना, स्पर्श रेखा। तो इसका डेफिनेशन होगा कि स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श का मतलब छूती है, टच करती है ना, स्पर्श करती है। जैसे दोस्तों, ये फिगर है वृत्त का और एक लाइन गया और यहाँ पे देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल गया कि स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा ना दोस्तों, एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना। और छेदक रेखा, अगला पॉइंट्स, छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है, दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है ना। आगे देखिए पॉइंट्स बनता है, जीवा, जीवा जो होता है दोस्तों, वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त को दो भागों में बांटने वाली, रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवा कहते हैं ना, वृत्त को दो भागों में। तो जैसे ये हुआ और एक लाइन काट दिया गया, तो यहाँ पे जो मैंने एक लाइन बनाया ए बी, यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी बराबर बोलेंगे जीवा है, है ना। और यहाँ से देखिए कि ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास रहती है ना दोस्तों। इसको याद रखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है ना दोस्तों। इसको याद रखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये भी पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में अब सवाल पूछता है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए फिगर बना के पूछता है। जैसे दो वृत्त है ना, इसमें पूछेगा स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है, स्पर्श रेखाओं की संख्या, है ना दोस्तों। तो देखिए, एक ये हुआ स्पर्श रेखा, एक ये हुआ दो, एक ऐसे हो जाएगा तीन, और एक ऐसे हो जाएगा चार। तो जब ऐसा फिगर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होती है?
चार। अब आगे देखिए पॉइंट्स, जब दो वृत्त आपस में टच किए हो और उनकी उनका मतलब सर्वांगसम वृत्त हो, तो देखिए स्पर्श रेखाओं की संख्या एक दो और एक बीच से होकर गुजरेगी, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी तीन। ऐसे ऐसे फिगर में आपको पूछता है तो आपको बताना होगा ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए। अगर दो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या एक और एक यहाँ से जाएगा दो, है ना दोस्तों। अगर दो वृत्त जो है एक ही में है, एक ही साइज के हैं दोनों वृत्त, नहीं देखिए अगर एक वृत्त और एक इसके तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी जीरो, इसमें स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता, है ना दोस्तों। अब ये जो हुआ, अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको याद रखिएगा, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, आर बराबर वृत्त की त्रिज्या है ना। अब यहाँ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होता है उसका सूत्र होता है टू पाई आर। देखिए दोस्तों ये जो फिगर हुआ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं, और ये जो लाइन जो ऐसे जा रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं परिधि, है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन दो नंबर के पूछता है कि पाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना दोस्तों। पाई इसका आंसर होता है वृत्त की परिधि तथा वृत्त के व्यास के अनुपात को, व्यास के अनुपात को परिधि कहते हैं, अनुपात को पाई कहते हैं। तो देखिए दोस्तों परिधि बटा में व्यास, तो परिधि के सूत्र होते हैं टू पाई आर, और व्यास का जो होता है टू आर, टू से टू कट गया, आर से आर कट गया, तो पाई आ गया, है ना। एक और सूत्र है जिसको लिख लीजिए कि व्यास बराबर जो होता है टू गुने आर, यानी टू गुने त्रिज्या। अगर त्रिज्या निकालना हो तो इसका सूत्र होगा व्यास बटा में टू। तो मैंने दोस्तों जो आपको सब पॉइंट्स बताए इसको याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स होंगे जो आज के परीक्षाओं में इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं ना, ये आपका आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। थैंक्स, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।